नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुराचल। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, चुनावी महासंग्राम चल रहा है। मथुरा वृंदावन विधानसभा के जो चुनाव हैं, इतनी तेजी के और इतने कड़ाके के चुनाव आज तक शायद देखने को नहीं मिले। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण विकास मंच के अध्यक्ष एवं AICC के सदस्य, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेश पंडित। तो उनसे जानेंगे हम कि उनका क्या मानना है और क्या रहा है इन चुनावों को लेकर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मथुराचल में। धन्यवाद। आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और देश की जो स्थिति है, ये बात बिल्कुल सही है कि किसान आंदोलन और किसानों की जो स्थिति रही है उससे भाजपा के खिलाफ माहौल है। ये बात बिल्कुल ठीक है और सरकार बदलनी भी चाहिए, लेकिन जैसे कि उम्मीद की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि सरकार बदलेगी। कैसे, किस तरह से आपको नहीं लग रहा है कि सरकार बदलेगी? देखिए, एक तो उनका चुनाव लड़ने का जो नजरिया है भाजपा का, जी, अभी स्वर्गीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो हमने उनके विषय में देखा पढ़ा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी कैंपेन कर। अच्छा। और जो वर्तमान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पार्षद तक के चुनावों में कैंपेन करते हैं और घर घर घूमते हैं जी। और हमारा होम मिनिस्टर बन के बैठा रहता है, और प्रधानमंत्री के तो अते पते नहीं लगते। अच्छा। और पार्टी पूरी तरह से एक दूसरे की दुश्मन है, कांग्रेस। अच्छा। पूरे कार्यकर्ता ऐसे पार्टी में फुटबल है कि ऐसी दुश्मनी है जैसे पाकिस्तान और भारत में भी नहीं। आप उसका फायदा भाजपा को मिल रहा है। कई सीटें तो ऐसी हैं जो भाजपा के लोगों से पूछ पूछ के दी गई। मेरा एक सवाल है जी, कि आप चुनाव अखिलेश यादव से लड़ रहे हो या भाजपा से लड़ रहे हो? कांग्रेस से आपका सवाल है? हाँ, राहुल गांधी से। बिल्कुल, राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी का इस उत्तर प्रदेश चुनाव में वो नहीं है। मेरा अच्छा। सवाल है कि महामंत्री प्रभारी प्रियंका गांधी, अच्छा, और उनके इर्द गिर्द जो पार्टी है, टीम है जी, जो प्लांटेड जो लोग हैं, जो कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए जो भेजे गए हैं, जो विपक्षियों से मिले हुए हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप अखिलेश से लड़ रहे हैं या भाजपा से लड़ रहे हैं? आपने महाउम्मीदवार दिए हैं, मुस्लिम उम्मीदवार, जहां अखिलेश के वोटों काटे। आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए, हराने के लिए ऐसी क्या कारगर नीति बनाई है? आप भाजपा के खिलाफ लड़ते नजर नहीं आ रहे, तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको गंभीरता से नहीं ले रही, इसलिए कांग्रेस हार जाएगी। तो आपको लगता है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हारेगी? पूरी तरह हार रही है। तो इसमें कह रहे में क्या बुराई है? छाता विधानसभा से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, जो पहले सवाल का भी जवाब वो नहीं दे पा रही, तो कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी क्यों उतारे? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि नफरत और ईर्ष्या से कभी कोई दल जी कभी भी कोई विजयश्री नहीं पाता। पार्टी में अंदरूनी अपने लोगों से इतनी ईर्ष्या और नफरत हो गई, खासतौर से ब्राह्मण समाज से, पार्टी में अंदर ही हो गई है, ब्राह्मणों से इतनी नफरत है कि किसी भी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण को इस पार्टी में नहीं पनपने देंगे। आपने यहाँ शहर की व्यवस्था देखी होगी, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश में 33-34 साल से सरकार नहीं है कांग्रेस की। अच्छा। लेकिन तमाम पूर्व विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जिनका लंबा इतिहास इंदिरा जी से लेके, राजीव जी से लेके, सोनिया जी से लेके, राहुल जी से लेके, वो लोग बेकार कर रखे हैं, उनके अनुभव का फायदा उठा सकती थी पार्टी, अनुभव का फायदा नहीं उठा रहे। जो जवाब नहीं दे सकते उनको लड़ाना चाहते हैं, जो लड़ रहे हैं उन्हें हटाना चाहते हैं, जो मजबूत है उन्हें खत्म करना चाहते हैं, तो फिर किसके कहने पर लड़ रहे हो? इसका मतलब आपने भाजपा से समझौता कर रखा है, और समझौता कर रखा है तो लोग, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसने भी तय कर रखा है, जो मजबूत कार्यकर्ता है और नेता है जिसमें थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, वो भी अपने घर बैठा है, और घर क्या बैठा है, ये पूछा ही नहीं रहे किसी से, अब मुझसे ही नहीं पूछा इनने। अच्छा। हाँ, मुझसे नहीं पूछा अभी तक क्या करना है क्या नहीं करना है।
और सैकड़ों मेरी पार्टियां यहां से कुरुक्षेत्र तक पूरे देश में ब्राह्मण विकास मंच के सदस्य हैं, लोग हैं, लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि साहब कहां वोट डालें, क्या ना करें। लेकिन हमारी तो मजबूरी है कांग्रेस का नेता होती हुई, लेकिन कांग्रेस हार रही है, अब क्या करें। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस के एक नेता हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस यहां से हारेगी और निश्चित हारेगी। तो अभी छाता विधानसभा की बात की थी मैंने, यहाँ एक कांग्रेस प्रत्याशी जो महिला लड़ रही हैं उन पे एक पहले ही सवाल का मीडिया के सामने जवाब नहीं दिया जाता है, तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है जो ऐसे नेताओं को वो मैदान में लेके आई है। ऐसे हजार प्रत्याशी, कम से कम 300 प्रत्याशी उतार रखे हैं, कम से कम 300 प्रत्याशी, तो यानी 300 लड़की हार जाएंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी का नारा और पोस्टर गर्ल भी छोड़ गई पार्टी। अच्छा, कई लड़कियों को आपने मीडिया में देखा होगा रोते हुए जी, जब लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है तो लड़की रो क्यों रही है, लड़ाओ, लड़नी चाहिए। कुछ महिलाएं लड़ा रहे हैं, महिलाओं क्यों लड़ा रहे हैं, प्रियंका जी के भविष्य को खराब कर रहे हैं कुछ चमचे, प्रियंका गांधी को भ्रमित कर रहे हैं, उनका ऐसा चेहरा बनाया जा रहा है कि भाई वो पार्टी के नेताओं से नफरत करती है, तो पार्टी के नेताओं से मिलना नहीं चाहती, कि वो कुछ सुनना नहीं चाहती, वो बहुत एरोगेंट, ऐसा माहौल उनके जो लोग हैं नजदीक वो बना रहे हैं देश में, ऐसे नेता का माहौल बना रहे हैं जिसके करोड़ों कांग्रेस जन, पूरा भारत जिनमें अपना भविष्य सुरक्षित देखता है, प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ना चाहती हैं, लोगों का काम करना चाहती है, सरकार लाना चाहती थी, लेकिन उनको भी हाईजैक करके खराब कर दिया, कांग्रेस हार रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस बयान पर आपका क्या मानना रहेगा? पता नहीं किसने दिया है, जो लड़के तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हो, आपको तो पता ही है। हूँ वरिष्ठ नेता हूँ, कांग्रेस किसी की बांपोती तो नहीं है जी, मैं वरिष्ठ नेता हूँ, मुझे देश का प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी में बैठा के लेके आया था। अच्छा, राजीव गांधी जी मुझे लेके आए थे अपनी गाड़ी में, पोस्टर लगा रहा था रात में जी। हाँ, तो वो तो रहे नहीं अब दुनिया में, तो मैं कांग्रेस में हूँ, तो जब वो मुझे यहाँ छोड़ गए तो मुझे तो यहीं रहना है, अगर मेरी नीयत में फर्क होता तो मैं भी किसी दल से चुनाव लड़ रहा होता। तो अब की बार कांग्रेस ने आपको नहीं पूछा इस बारे में ना, मुझे क्या नहीं पूछा, पूरे ब्राह्मण समाज को नहीं पूछा, पूरे ब्राह्मण समाज को नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज नहीं पूछा। तो यहाँ पर जैसे मथुरा वृंदावन विधानसभा की बात कर लेते हैं, एक तरफ एस के शर्मा जी हैं और श्रीकांत शर्मा जी, प्रदीप माथुर जी, ये लोग हैं, इनकी बहुत अच्छी टक्कर चल रही है, और सपा बसपा का गठबंधन भी चल रहा है, उस पर क्या मानना रहेगा? नहीं, मुझे तो इनकी कहीं टक्कर दिख नहीं रही है, आपस में वैसे ही चुनाव उनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो चुनाव, ये ऐसे क्या होता है? नहीं, वो बीजेपी के प्रत्याशी का व्यक्तिगत बहुत विरोध है। अच्छा, लोग कहते हैं हरे आदमी मिल जाता है, और एस के शर्मा वो रो रहे थे कहीं टिकट पिकट कट गई, अरे यार ऐसी क्या आफत आ रही थी, अपने आराम से घर बैठते हैं, काहे को रो रहे हो, काहे को लड़ रहे हो, हैं बाद में लड़ लेना, क्या आफत आ रही है, क्या आफत आ रही है, ये डिवाइड करने का खेल है ब्राह्मणों को, जो लोग कहते हैं कि दो कौड़ी को औकात नहीं है ब्राह्मण समाज की, और क्या हो जाएगा एक एक एमएलए को जीत तार से, ये कौन कहता है? अगर श्रीकांत शर्मा जीत भी जाए मान लो जी, तो श्रीकांत शर्मा क्या कर ले मुझे बताओ? नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति समाज को पूरी को टक्कर देने का प्रयास करे, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व हो, तो फिर समाज को जवाब देना पड़ता है, अन्यथा ये भिकमंगे कहलाएंगे ब्राह्मण, ये बटेंगे तो भिकमंगे कहलाएंगे, इनकी कोई औकात नहीं रहेगी, इनकी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, इनको मारेंगे लोग और इनकी बेइज्जती करेंगे, और इनका जीवन में कभी इन्हें टिकट भी नहीं मिलेगी, ना कोई दल इनको सीरियस लेगा, इनको यह दिखाना चाहिए एकजुट होके ताकत लगानी चाहिए। अभी आपने बोला था कि ब्राह्मणों की कोई औकात नहीं है कुछ ऐसा करके, तो ये शब्द किसने बोला ब्राह्मणों? अरे सब बोल रहे हैं ये, जब कांग्रेस में मैं कहता रहा हूं जी, कम से कम 50 एक्स एमएलए ब्राह्मण पार्टी से खिन्न मिन्न कर रखे हैं, हटा रखे हैं कांग्रेस, तो और क्या, तो और कौन बोल रहे हैं? तो यहाँ पर जो चुनावी माहौल है बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, और वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी राय रखी, उन्होंने फिर भी बताया कि कांग्रेस यहाँ से हारेगी, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे पर भी उसने उन्होंने बताया है, तो और क्या कहना रहेगा राजनीति को लेकर के आपका, और अपने ब्रज की जनता के लिए, ब्रजवासियों के लिए? ब्रजवासियों की एक खासियत रही है कि भगवान कृष्ण जी जब आताताइयों से लड़ाई लड़ रहे थे जी, तो यहाँ की ब्रज की जनता ने उन्हें भी धोखा दे दिया, जरासंध का साथ दिया था। अच्छा,
तो इसी प्रकार के जहाँ नेता हैं, कोई चोरी करता है, कोई दलाली करता है, कोई भैंस चुरवाता है, कोई कुछ करता है, ऐसे लोगों को एमएलए बना देते हैं। वो पहले अपना काम करते हैं, जनता का कोई काम नहीं करते। जनता को मात्र फर्जी मुकदमा और थाने तहसीलों में उलझाने का काम करते हैं, और ऐसे एमएलएओं को मैं तो चाय बनाने पे भी नहीं रखता हूँ। तो बात करते हैं, फिलहाल जो बीजेपी सरकार है उसमें विरोध हो रहा है श्रीकांत शर्मा का, बिजली के बिलों को लेकर, महंगाई को लेकर, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा विरोध है भाजपा का। ये उनकी भी इंटरनल पॉलिटिक्स है जी। योगी बाबा भी नहीं चाहते कि ये जीते श्रीकांत शर्मा। अच्छा, हाँ, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है। अब अभी सुना 5-10 दिन पहले कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमेटी गठित की है, कोई घोटाले बिजली में। अच्छा। तो चुनाव के वक्त कमेटी गठित करने का जरूरत है। जैसे कांग्रेस में झगड़ा है, ऐसी बीजेपी में भी झगड़ा है। वो चाहते होंगे कि भाई ये ऊपर ना बन जाए, चीफ मिनिस्टर ना बन जाए, तो वो भी बाबा भी चाहते हैं ने हरवाना। ये तो अब तुम्हारे क्षेत्र के लोग जाने कि भाई किसी को हरवाना है कि जितवाना है। अब लोग जाने कांग्रेस के कि कांग्रेस के कैंडिडेट को हरवाना है कि जितवाना है। लोगों से लड़ाई लड़ी जाती है। घोड़े का काम घोड़ा करेगा, खिच्चर का काम खिच्चर करेगा। हर आदमी सब्जी वाले का काम सब्जी वाला करेगा, उद्योगपति का काम उद्योगपति करेगा। कांग्रेस में क्या है, 10-12 आदमी पूरी पार्टी को चला रहे हैं, चपरासी से लेके, बाथरूम से लेके, पार्टी से लेके, झंडा से लेके, हेलीकॉप्टर से 10-15 आदमी चला रहे हैं पूरी कांग्रेस को, जिसमें 5-7-8 चपरासी हैं जी, 4-5 नेता हैं। नेता मतलब उन्हें आप कह सकते हो, मैं तो नेता नहीं कहता हूं उन्हें। और स्थिति बड़ी दयनीय है, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने झंडे के तले, तिरंगे झंडे के तले इस देश को आजादी मिली, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष जी भी, ऐसी पार्टी जिसने भारत को स्वतंत्र कराया, भारत के नौजवानों को राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, इन्होंने इस देश के नौजवान, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की शहादत दी, प्राणों की आहुति दी, वो आज पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और उन खम्भों को भूल रही है। जो जैसे हमारे घर में तो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी जी, हाँ, तो हमारे ऐसे परिवार ने भूल रही है पार्टी। तो कभी भी आप रिश्ता भी करने जाते हैं तो मजबूत खानदान देखते हैं, कुछ सिस्टम देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने 40 साल दरी बिछाई है, मजबूत हो गए हैं आज, और आप मजबूत अपने को कमजोर कर रहे हैं, ये सवाल खड़ा है। तो जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको सिर्फ प्यार मोहब्बत चाहिए और उन्हें कोई रिश्वत तो नहीं चाहिए। आपका कहना है फिलहाल की जो कांग्रेस जो राजनीति हो रही है उसमें अंदर ही अंदर जो कांग्रेस में कार्यकर्ता है वो उसे खोखला कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपमान कर रहे हैं कांग्रेस जो वर्तमान में जो बैठे हैं नेतृत्व के दाएं बाएं लोग। अच्छा। तो इसलिए वो जो कार्यकर्ता हैं वो गुस्से में हैं और वो दिल से और मन से और ताकत से काम नहीं कर रहे हैं। जिनका सम्मान होना चाहिए उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है? ना, सम्मान नहीं मिल रहा। मुझे बताओ, महात्मा गांधी के घर वाले कहाँ हैं? चंद्रशेखर आजाद के घर वाले कहाँ हैं? चंद्रशेखर आजाद जी की जो मदर थी, उनकी डेथ हुई थी, उनको शमशान घाट पे फूकने भी नहीं दिया था लोगों ने। भगत सिंह का परिवार कहाँ है? हैं? ये तमाम जो परिवार हैं आप बताइए, कमलापति त्रिपाठी का परिवार कहाँ है? नारायण दत्त तिवारी का परिवार कहाँ है? हैं? आप बनारस से लेके, बलिया से लेके रैया, ये चंद्रशेखर, ये सारे लोग सब कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, आज भी लोग हैं। जो लोग पार्टी में, स्थिति ऐसी बन गई है गोपाल जी कि जो पार्टी से वफादारी से आज भी जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं इनको कहीं जगह ही नहीं है। मतलब प्लान सब भाग जाओ तो हम तो भागेंगे नहीं, लेकिन सही बात कहे बगैर मानेंगे नहीं। जैसे आपने बताया कि कांग्रेस में अंदर ही अंदर थोड़ा विद्रोह हो रहा है और बीजेपी में भी अंदर ही अंदर विद्रोह हो रहा है, क्या गठबंधन सरकार बन सकती है? नहीं, बीजेपी का क्या है कि संगठन थोड़ा नेतृत्व मजबूत है अभी। अच्छा। वो अपने बिखराव को थोड़ा समेट लेगा। अच्छा। मुझे लगता है, लेकिन कांग्रेस में कौन समेटेगा? यहाँ तो ये पता नहीं पड़ता है कि पदाधिकारी दूसरी पार्टी का है, वो पदाधिकारी यहाँ बन गया, वो तुम्हारी पार्टी में नहीं था, वो चुनाव लड़ रहा है। तो उनको इंट्रोडक्शन भी आपस में नहीं कराते कि साहब ये हम नया लेके आए आइटम, इसको चुनाव लड़ाना है, तो उसे लड़ाए कौन बेचारे? कुछ नहीं, पता नहीं कौन तो तय कर रहा है इनके मापदंड, क्या सिस्टम है, क्या अनुशासनहीनता है। अब देखिए, राजस्थान में सचिन पायलट ने सरकार गिर दी होती। अच्छा। अरे घेर ही दी थी, वो तो अशोक गहलोत ने बचा ली अपनी कार्य कुशलता से, और वो जहां प्रचार करने आए पार्टी मजबूत करो है। तो ये बड़ी, ये आप जनता को मूर्ख समझ रहे हो।
आज मूर्ख नहीं है, एक एक वोटर मूर्ख नहीं है। जो मैं अभी आपको बात कह रहा हूँ वो लोग मुझे कह रहे थे अभी। अच्छा हाँ, जो कि हमारा जो गांव है वो बॉर्डर पे है बिल्कुल नहीं जी। तो अभी 10-20 गांवों के आदमी वहां बैठे थे भरतपुर एरिया के मेरे पास, वो कह रहे साहब प्रचार करने आ रहे हैं, उन्हें सरकार कर दी। तो एक कांग्रेस नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि कल परसों तुम्हारी घोड़ी से उतर के भाग गया था दूल्हा, है फटफट बैठा दिया, तो अनुशासनहीनता के मायने क्या है कि ब्राह्मण समाज, अनुशासनहीनता क्या है कि ब्राह्मण समाज, इसको खत्म कर दो, इनको हम देखना नहीं चाहते, इनको हम पसंद नहीं करना चाहते, ये मनुवादी हैं, इन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी है। या नवजोत सिंह सिद्धू, सचिन पायलट, शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद है, ऐसी हजारों लाइन है जो दिन भर। तीसरी बात, कितने नेता या पार्टी छोड़ के गए यूपी में कांग्रेस के, जतिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ललितेशपति त्रिपाठी, कमलापति का पोता, वो राजा रामपाल, और कल परसों एक सचान है, कम से कम 50-100 आदमी पार्टी छोड़ गए। अनु टंडन है, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप मंथन नहीं कर रहे, मतलब आप तानाशाह चलाना चाहते हैं? आप ये चाह रहे हो कि हम पार्टी के मजबूत है, हम पार्टी हमारी है, तुम कैसे भी चलाएंगे, नौकरों की तरह, ये कंपनी है, है? पार्टी में वाद विवाद भी होता है, चर्चा होती है, चर्चा पर निष्कर्ष निकलता है, और निष्कर्ष पे उस समाधान किया जाता है समस्या का। आप सिर्फ एक समुदाय विशेष से नफरत करके कोई चीज नहीं जीत सकते। आप ब्राह्मण तो ब्राह्मण का सबसे पहले घर ही कांग्रेस पार्टी था, कहीं दूसरी बात सोचता नहीं था। राजपूत, विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर आज तक, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित, ये कॉम्बिनेशन था और देश पर राज कर रहे थे और देश प्रगति के पथ पर चल रहा था। अब इन्होंने एक एक करके ना तो इनको मुसलमान वोट डालना है, ना दलित वोट डालना, ना ब्राह्मण वोट डालना, ना ठाकुर वोट डालना, ना ओबीसी जाट वोट डालना, फिर पार्टी कहां से आ रही है? कोई वोट नहीं डाल रहा तो पार्टी कहां, अरे कहां से आ रही? अब इतनी साफ बात, मेरी आदत है साफ कहने की। ब्राह्मणों यादव वोट नहीं डाल रहा, ब्राह्मणों का जो मान सम्मान है वो तो हमेशा से सब करते आए, दांत तोड़ दिए इनके। मेरा मानना ये है, वो सुनो, ब्राह्मणों के दांत तोड़ दिए कांग्रेस ने। अच्छा, दांत, उनके मान सम्मान को सड़क पर बुरी तरह रौंद दिया कि तुम कुछ नहीं हो, हम अपने आप सरकार ले आएंगे। अच्छा, तो जहां सम्मान ना हो वहां तो जाना फिजूल है। अरे घूम रहे हैं आगे पीछे, अब भी कहीं रोटी पानी मिल जाए छोटी मोटी, कहते हैं भिखमंगे हैं ये, तो ये घूम रहे हैं इधर उधर पीछे, अपनी ताकत दिखा देंगे अगर है तो ताकत इनमें। छोटी मोटी अगर बात है तुम्हारी कोई, तो उस बात को ये बाद में सब चीजें देख सकते हैं। ब्राह्मण से ज्यादा बलशाली कोई नहीं होता और स्वाभिमानी भी नहीं होता। देखिए मैं भी ठाकुर हूँ, क्षत्रिय हूँ, तो मुझे भी ये सिखाया गया है कि जो ब्राह्मण का सम्मान करे, सम्मान ना करे, तो वो क्षत्रिय क्या, जो ठाकुर क्या, वो इंसान क्या जो ब्राह्मण का सम्मान ना। देखो, गौ और ब्राह्मण पे बहुत भयंकर अत्याचार हो रहा है भारत में, आप देख रहे हो ना, गाय चारों तरफ घूम रही है। योगी जी कहते हैं हमने बहुत कई साल बनवाई है। नहीं, योगी जी कहते हैं जरूर बनवाई होंगे उन्हें, लेकिन भ्रष्ट तंत्र है जो सरकारी है जी, ये काम नहीं करने देता अच्छे आदमी को। मैं योगी जी की मना नहीं कर रहा, उन्हें नहीं बनवाई होंगी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा था कि कोई गाय सड़क पर मिल गई तो डीएम एसपी की जिम्मेवारी है। अच्छा, तो पकड़ पकड़ के नहीं, यहाँ एक गाय नहीं मिली, ऐसी शानदार गौशाला है मनमाई, इतना गौचारा, सब चीज व्यवस्था और वहां आनंद सब था। तो आप भगवा जो पहन रखा है आपने जी महाराज, भगवा का मतलब ही धोखा है। ये किस उद्देश्य से कह रहे हो, किस बात को कह रहे हो, भगवा का मतलब धोखा? मैं बताऊंगा, पूछो, बताएं। आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, भगवा का मतलब ही धोखा है। देखो, इस भगवा को धारण करके रावण आए थे और सीता माता धारण कर चले गए। माता ने देखा कि भगवा बस धारण किए कोई साधु है, सो भगवा के भेष में उनका अपहरण कर लेंगे। अच्छा, और भगवा का धारण करके जब हनुमान जी जा रहे थे वहां
संजीवनी बोटी लेने, तो कान ले भी भगवा, कान ले भी जो राक्षस था वो भगवा धारण करके रास्ते में बैठ गया, उन्होंने रास्ता रोका भगवा धारण करके। भगवा का मतलब ही धोखा है, लेकिन उन्होंने भगवा के साथ धोखा करना चाहा तो उनका तो सर्वनाश हो गया ना, हो गया इनको, उन्होंने ये धोखा कर रहे हैं। फिर जब गैया माता घूम रही है, मेरा और किसी से तो मतलब ही ना है, जब गाय माता घूम रही है, किसान रात भर खेत में खड़ा है, अरे भाई पहले तो बात यह है कि इस भारत के लोगों की जिम्मेवारी है, आप गाय माता जब तक दूध देती है तो खूंटा पर रखते हो फिर छोड़ देते हो और सरकार पे दोष दे रहे हो, लेकिन सरकार ने और कोर्ट कचहरी वकील भी नहीं थे। पहले अगर पुलिस होती तो ये रामचंद्र भगवान पे भी आरोप लगता, अच्छा पत्नी भगाने का भगाना और मुख FIR दर्ज होती, अच्छा। और जेल जाना पड़ता है पूरे घर है, समझे, क्योंकि जब इनको पता था कि सीता माता पवित्र हैं, शुद्ध हैं, तो आपने एक किसी बेवकूफ के कहने से सीता मां को घर से बाहर निकाल दिया, तो आज तक औरतन ने भगाते चले आ रहे लोग, अपमान हो रहा है। पहले पुलिस नहीं थी ना, पुलिस नहीं थी, अब पुलिस है। तो आज के मुद्दे में आपका सीधा मानना यह है कि कांग्रेस में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, रौंद दिया है उनको, ब्राह्मणों को रौंद दिया है पूरी तरह, अपमान। ब्राह्मण कुछ नहीं होते, भिख मंगे होते हैं, चोर होते हैं, मनुवादी होते हैं, ये सोच है पार्टी, ये कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के नेतृत्व के दायरे में चार पांच चपरासियों की, उन्होंने उनको भर दिया बेचारो, उनको बेचारा ही कहूंगा जो ऐसे चपरासी भरते हैं। तो आप ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण महासभा के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तो अखिल भारतीय ब्राह्मण विकास मंच का अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि आप अपने अगर अस्तित्व को बचाना है तो आप एक जगह मतदान करें, छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करें, एक MLA कभी भी ना तो आपको कुछ कर सकता है ना एक MLA आपको तार सकता है। तीसरी बात यह है कि आपको बटा हुआ देख के आज जो जिन संगठनों में जिन जातियों में, मुझे जात पात की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो जाति एक है उनके नतमस्तक है सारे दल, आज ब्राह्मणों की कोई पूछ नहीं है, और उत्तर प्रदेश में करीब 20% निर्णायक मतदाता ब्राह्मण, लेकिन कुत्ते की तरह दर है इनकी, कुत्ते की तरह कर दी है राजनीतिक दलों ने, बताया ये जाता है, और यही है कि और ब्राह्मण जो चाहे उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण का मतलब आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा, जैसे तो मैंने, बताया मैं। जैसे मैंने रावण की कालनेमी की बात बताई, कभी आपने सुनी नहीं होगी सर, ये बात सही है, ये बात सही है, सुनी मैंने। ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मण, ब्रह्मांड में जितनी जातियां प्रजातियां हैं उन सबका समावेश करके उनको रास्ते पे लाना, उनको सही शिक्षा देना और भारत निर्माण करना, उसको कहते हैं ब्राह्मण सम्मेलन, उसको कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मात्र एक जाति का काम नहीं है, ब्राह्मण का बहुत ऊंचा स्थान है, जो पहले जो सब लोगों को सही शिक्षा दे, सही बात बताए। अब जैसे चुनाव चल रहा है तो ब्राह्मण का काम है कि सही निर्णय लें आप, और जो सही है वो काम करें। लेकिन कुछ ब्राह्मण बट चुके हैं, वो तो शुरू से बटते आए हैं, शुरू से बढ़ते आए, वो राम जी ने उसको लोभ दे दिया विभीषण को कि तुझे वो बनाऊंगा मैं यहाँ प्रधानमंत्री, तो उसने अपना भैया मरवा दिया, वहां पूजा कर रहे हैं टुंडी में दे जहां दे मां दे, मेरे कई आदमी संघ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं देश में, मेरा पूरा कुनबा 50,000 में बिक गया, चोर है वो, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की उन्होंने, मैंने निर्णय किया चुनाव चुनाव भी नहीं लड़ना है बाहर में जा पर नहीं समझे, तो ब्राह्मणों का तो गद्दारी का इतिहास है पूरा, फुल अपनों के प्रति, दूसरों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रमोद महाजन था महाराष्ट्र का बीजेपी में बहुत बड़ा लीडर, उसके सगे भाई ने उसमें गोली मार दी, रावण से लेके परशुराम जी, परशुराम जी ने आता था लोग कहते हैं क्षत्रियों को मारा, क्षत्रियों को नहीं मारा था उन्होंने, गुंडे बदमाशों को जो वो थे साधु संत महात्मा थे, उन्होंने कहा था कि ये बदमाशी करते हैं, उन गुंडे बदमाशों को धरती विहीन कर दिया, तो फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया था कि आप आइए कि आपके हाथ में मैं शक्ति दे जाऊं जिससे इस राष्ट्र निर्माण को कोई रोक नहीं पाएगा,
अच्छी तरह से काम चलता रहे, या ही नहीं। उन्होंने समझा तुम्हारे संग ऐसा करेंगे तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया, जाओ ऐसी चित विचित घूमोगे। इतिहास सही है, 50-60 हजार ब्राह्मण है छात्रा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, कोई पूछ रहा है ना? कोई नहीं पूछता है। यहाँ 2 लाख ब्राह्मण है मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में, कोई पूछ रहा है ना? रोते घूम रहे हैं कैंडिडेट, रोते घूम रहे हैं। नहीं समझे, मैंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जाटों में, गुजरों में, अहीरों में, कि जो नेक रो गए वो कुछ भी कैंडिडेट नहीं थे, उनको बड़ा लंबे मार्जिन से जिता दिया। समझे, कुछ नहीं, कोई पूछता ही ना इनने। ये बटेंगे, बटेंगे, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वोट भी नहीं है, वो जीतेंगे, बटेंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमेश पंडित, जो कि छाता विधानसभा के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत हमें जानकारी दी और बताया कि कांग्रेस की हार निश्चित होगी, और ब्राह्मणों के लिए उन्होंने स्पेशली बोला कि ब्राह्मणों को इस समय एक होने की जरूरत है, वो बटे हुए हैं, उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंची है, उस मान सम्मान के लिए उन्हें एक होना पड़ेगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, गोपाल ठाकुर के साथ काना शर्मा की खास रिपोर्ट, मतलब हलचल। जिम्मेवारी ली थी ना इसकी, जब ली थी तो पूरी करते कि हम गाय माता पे अत्याचार नहीं होने देंगे। गाय कट रही है, गाय जा रही है, गौ माता जिसमें 36 करोड़ देवी देवता हैं। अब ये ब्राह्मण जो सब पूजा करते हैं सब दिन, वो गुणम स्वार सब बात बताते हैं गाय में ये ये ये, और ये कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। नहीं समझे, देखी जाएगी। भगवा का चोला जो पहनता है वो बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, और बात रही इन्होंने बताया भगवा एक नाम ही